नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने घर पे सेफ होंगे। आज हम पढ़ते हैं जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल का एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारण। उससे पहले हम वितरण देखते हैं। सामान्य शब्दों में धरातल पर जनसंख्या के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। वितरण में जनसंख्या के स्थानिक वितरण पर बल दिया जाता है, अर्थात पृथ्वी पर जनसंख्या के स्थितिगम पक्ष पर बल दिया जाता है। तो ये जो कारक है जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले, उन्हें मुख्य रूप से चार भागों में बांट सकते हैं। पहला भौतिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक, तीसरा सामाजिक और सांस्कृतिक कारक और चौथा होगा राजनीतिक कारक। तो सबसे पहले बात करते हैं भौतिक कारकों की। भौतिक कारकों में पांच कारक शामिल है। पहला है स्थिति, दूसरा उच्चावच, तीसरा जलवायु, चौथा जलापूर्ति और पांचवा मिट्टियां। भौतिक कारकों में पहला है स्थिति। स्थिति जो है ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। पृथ्वी है उस पर तीन कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। तो इसमें से उष्ण कटिबंध, जिसमें भी मुख्य रूप से विषुव रेखीय जो क्षेत्र है वो जनसंख्या बसाव की दृष्टि से प्रतिकूल दशाएं रखता है, और शीत कटिबंध है जिसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव और उनके आसपास के क्षेत्र आते हैं, तो वो भी जनसंख्या बसाव की दृष्टि से प्रतिकूल है। रह गया शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। विश्व मानचित्र पर अगर हम देखेंगे तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के देश है वहाँ सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वहाँ जलवायु की सम दशाएं पाई जाती है और उन सम दशाओं की वजह से वहाँ जनसंख्या और उससे जुड़े हुए व्यवसाय हैं उनका विकास अधिक होता है और वहाँ विश्व की अधिकतम जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या कौन से कटिबंध में निवास करती है, तो हमारा उत्तर होगा शीतोष्ण कटिबंध। दूसरा कारक है उच्चावच। उच्चावच का भी जनसंख्या वितरण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मानव और मानवीय की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका विकास मैदानी क्षेत्रों में अधिक होता है बजाय पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों के, क्योंकि पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है वहां पर कृषि का विकास करना, आदिवासियों का विकास करना, परिवहन के साधनों का विकास करना मुश्किल होता है मैदानी क्षेत्रों की तुलना में। इसी वजह से क्या है कि मैदानी क्षेत्रों में विश्व की अधिकांश जनसंख्या पाई जाती है। अगर हम विश्व का जनसंख्या मानचित्र देखेंगे तो उस पर साफ दिखेगा कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या नदी मैदानों या नदी घाटियों में पाई जाती है, और ऐसा प्राचीन काल से हो रहा है। नदी मैदानों को इसी वजह से सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं, क्योंकि प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उनका विकास नदी घाटियों के किनारे हुआ था, और वर्तमान में भी वही पैटर्न देखने को मिलता है जनसंख्या वितरण का। जैसे उत्तरी अमेरिका में देखें तो मिसिसिपी नदी की घाटी है, चीन में हवांगों का मैदान, भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र यमुना का मैदान है। विश्व में अधिकांश जनसंख्या घनत्व रखने वाले देश है ये, मैदानी क्षेत्र है ये। स्थिति और उच्चावच के बाद बात करते हैं जलवायु की। जलवायु जो है वो मानव बसाव के लिए वही अनुकूल है जो ना तो अति उष्ण हो और ना ही अति शीत हो, क्योंकि अति उष्ण जलवायु भी मानव बसाव के प्रतिकूल होती है और अति शीत जलवायु भी मानव बसाव के प्रतिकूल होती है। जो समशीतोष्ण दशाएं होती है वो मानव बसाव के अनुकूल होती है। यही वजह है कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या समशीतोष्ण क्षेत्रों में निवास करती है। इसके अलावा दूसरा है महासागर के तटवर्ती क्षेत्र, क्योंकि महासागर के तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर जलवायु का महासागरीय प्रभाव अधिक होता है, उस वजह से वहां का तापमान, वहां की जलवायु है वो सम रहती है। तो जो अधिकांश जनसंख्या है वो शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्रों में और महाद्वीपों के किनारे वाले भाग यानी महासागरों के तटवर्ती क्षेत्रों में निवास करती है। जैसे जैसे महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों से अंदरूनी भागों की तरफ हम जाते हैं वैसे वैसे जलवायु पर महाद्वीपीयता का प्रभाव बढ़ने लगता है और जनसंख्या घनत्व है उसमें कमी आने लगती है। जलवायु के प्रभाव की वजह से ही जो दक्षिणी पूर्वी मानसूनी एशिया है वहाँ अधिकतम जनसंख्या निवास करती है। इसी तरह से बात करें पश्चिमी यूरोप की तो वहाँ की जलवायु दशाएं सम रहती है, वहाँ अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। महासागरों के तटवर्ती क्षेत्रों में अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। इसके विपरीत अगर देखें उष्ण आर्द्र जलवायु जैसे कांगो बेसिन है, अमेजन बेसिन है, तो वहाँ तापमान और आर्द्रता अधिक होने की वजह से जनसंख्या कम निवास करती है। मरुस्थलीय क्षेत्र है वो भी प्रतिकूल जलवायु दशाएं रखते हैं, जैसे अरब का मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, तो वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाया जाता है।
जलवायु के बाद अगला टॉपिक है जल आपूर्ति। मानव है तो मानव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल की आवश्यकता होती है। कृषि कार्यों के लिए जल चाहिए, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल चाहिए, औद्योगिक कार्यों के लिए जल चाहिए। तो जल आपूर्ति का मुख्य साधन होती है वर्षा और नदियां। तो ऐसे क्षेत्र जहां नदियों द्वारा नियमित रूप से जल आपूर्ति होती है वहां अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। जहां पर वर्षा के द्वारा नियमित रूप से जल आपूर्ति होती है वहां पर अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। जैसे नदी घाटियां हैं वहां जनसंख्या घनत्व उच्चतम पाया जाता है। मानसूनी वर्षा वाले देशों में जनसंख्या घनत्व उच्चतम पाया जाता है। इसके विपरीत कम वर्षा के या न्यून वर्षा वाले जो क्षेत्र है जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाया जाता है। जल आपूर्ति के बाद अगला टॉपिक है मिट्टियाँ। उपजाऊ मिट्टियाँ जहाँ होगी उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिकतम पाया जाएगा, क्योंकि जनसंख्या के लिए मूलभूत आवश्यकता होती है वो भोजन होती है, खाद्यान्नों की आपूर्ति होती है, और खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए कृषि जरूरी होती है और कृषि के लिए उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। तो उपजाऊ मृदा जो है वो मुख्य रूप से जो उपजाऊ मृदा है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। उसके बाद नंबर आता है काली मिट्टी का। तो विश्व में ऐसे क्षेत्र जहां पर जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी पाई जाती है वहां अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या है वो जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रों में निवास। जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो भारत का मैदानी क्षेत्र है, मिस्र का नील का मैदानी क्षेत्र है, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान का सिंधु का क्षेत्र जो है, उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी नदी का क्षेत्र है, चीन में नदियों के मैदानी क्षेत्र है। बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं जहां पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिक है उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व भी अधिकतम पाया जाता है। तो दोस्तों ये हो गई भौतिक कारक। भौतिक कारकों में हमने देखा स्थिति, ऊर्जावज, जलवायु, जलापूर्ति और मृदा, पांच कारक है। इनके बाद भौतिक कारकों के बाद देखते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में जो कारक है उनमें पहला है खनिज संसाधन, दूसरा शक्ति संसाधन, तीसरा यातायात और चौथा आर्थिक विकास का स्तर। सबसे पहला देखते हैं खनिज संसाधन। अब आर्थिक कारक एक ऐसा कारक है जो प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों पर भी कई बार प्रभावी हो जाता है, क्योंकि आर्थिक आवश्यकताएं मनुष्य की जो है वो उसे उन क्षेत्रों में रहने के लिए भी सुविधाएं प्रदान कर देती है जहां पर भौतिक दशाएं प्रतिकूल होती है। जैसे कहीं किसी क्षेत्र में खनिजों का उत्पादन हो रहा है, मुख्य रूप से जहाँ खनिज उत्पादन होता है वहां जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, क्योंकि खनन करना, फिर वहां खनिजों के निकटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं वहां उद्योगों का विकास हो जाता है, तो उस वजह से वहां जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग बहुत बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है, लेकिन वहां दो सोने की खाने हैं, कालगुरली और गुलगार्डी, तो वहां पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। बाकी वहां आसपास का अगर मरुस्थलीय क्षेत्र देखें तो बिल्कुल विरल है, लेकिन कालगुरली और गुलगार्डी ऐसे क्षेत्र है जहां पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। क्यों? क्योंकि वहां पर सोने की खाने हैं, उस वजह से खनन होता है। आर्थिक पहलू जो है वो वहां प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। खनिज संसाधन जिन क्षेत्रों में मिलते हैं वहां पर सबसे मुख्य सुविधा जो मिलती है वो होता है रोजगार, इसके अलावा होता है परिवहन के साधन। इन वजह से वहां जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं जहां पर खनिजों की वजह से जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसमें यूरोप की कोयला पेटी है, यूरोप की कोयला पेटी की जितने भी देश है वहां सघन जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अरब का जो मरुस्थल है वहां पर प्रतिकूल भौगोलिक दशाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पेट्रोलियम के भंडार है जिस वजह से वहां अधिक जनसंख्या पाई जाती है। भारत में छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है वहां अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहां खनिज संसाधन उपलब्ध होते हैं वहां पर प्रतिकूल भौगोलिक दशाओं के बावजूद भी अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। खनिज संसाधनों के बाद आर्थिक कारक है परिवहन। परिवहन एक ऐसी सुविधा है जो मनुष्य को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करती है, विभिन्न संसाधन प्रदान करती है। तो अधिक जनसंख्या उन्हीं क्षेत्रों में बसना पसंद करती है जहां पर परिवहन के साधनों का अधिक विकास होता है। यही वजह है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है, क्योंकि वहां विदेशों से आयात निर्यात की सुविधा अधिक होती है। या फिर देखें नदी मैदानों में परिवहन के साधनों का विकास अधिक होता है, क्योंकि परिवहन के साधन है वो शिक्षा को भी बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उसके द्वारा नगरों से जुड़ा हो जाता है तो शिक्षा का प्रसार होता है, रोजगार को बढ़ावा देते हैं, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देते हैं। यानी ये एक धमनी की तरह कार्य करते हैं, अर्थव्यवस्था में धमनी की तरह कार्य करते हैं।
तो उस वजह से जहाँ परिवहन के साधनों का विकास अधिक होता है वहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। यातायात के बाद अगला बिंदु है आर्थिक विकास का स्तर या आर्थिक उन्नति का स्तर। और आर्थिक दृष्टि से विश्व के देश है उनको मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित करते हैं, विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। विकसित देश जो होते हैं वहां पर तकनीकी विकास अधिक होता है, रोजगार की सुविधाएं अधिक होती है, औद्योगिक विकास अधिक होता है, सेवा क्षेत्र में रोजगार अधिक होता है जिसके कारण वहां लोग अधिक निवास करते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों के निकट अधिकतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूरोप के देश है। इसके विपरीत अगर देखें औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए देश है जैसे अफ्रीकी देश है वहां पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है क्योंकि वहां रोजगार की सुविधाएं कम मिलती है, मनुष्य का पालन पोषण नहीं हो पाता है, भरण पोषण की सुविधाओं के लिए वो क्या करते हैं उस क्षेत्र से पलायन कर जाता है तो वहां जनसंख्या घनत्व कम हो जाता है। भौतिक और आर्थिक कारकों के बाद देखते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जो जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाला तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक में ये है कि मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, वो अपने सामाजिक संगठन में अपनी संस्कृति में रहना अधिक पसंद करता है। विशेष रूप से जो एशियाई देश है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश है, चीन के लोग हैं, ये अपनी ही संस्कृति में अपने ही आसपास के लोगों के साथ रहना अधिक पसंद करते हैं जिसके कारण वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। परंपरावादी जो लोग होते हैं उनमें परिवार नियोजन की प्रथा भी नहीं है, परिवार नियोजन को भी वो महत्व नहीं देते जिसकी वजह से वहाँ जनसंख्या है वो बढ़ती रहती है और जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ता रहता है। चार नंबर जो कारक है वो है राजनीतिक कारक। अब राजनीतिक कारकों में ये होगा कि कोई भी देश है वहाँ शांति कैसी है, सुरक्षा व्यवस्थाएं किस प्रकार की है, उस देश की जनसंख्या नीति किस प्रकार की है। तो शांति, सुरक्षा, जनसंख्या नीति ये भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। अगर कोई देश राजनीतिक दृष्टि से अशांत है, सुरक्षा सुविधाओं की कमी है तो उस देश में लोग है वो कम रहना पसंद करते हैं। जैसे इजराइल, फिलिस्तीन, भारत का जम्मू कश्मीर राज्य है, अफगानिस्तान है, तो वहाँ क्या है राजनीतिक रूप से अस्थिरता बनी रहती है जिसके कारण जनसंख्या वहां से पलायन कर जाती है और जनसंख्या घनत्व कम पाया। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गए जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ ज्योग्राफी A to Z पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।